इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय क्या है। आप डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो के लिंक पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम भी में आपका स्वागत है। KYC के एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। वह है नो योर कॉन्सेप्ट्स मतलब अपनी अवधारणाओं को जाने, जहाँ हम छोटे से वीडियो में बुनियादी आर्थिक और वित्तीय अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले परिभाषा देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय उच्च मूल्य की वस्तुओं के लिए किए गए व्यय हैं और वे लंबी अवधि के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन एक्सपेंडिचर्स को लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर या दीर्घकालीन व्यय भी कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके खर्च जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या आपकी खरीद जैसे जमीन और कार पूंजीगत व्यय हैं, क्योंकि ये व्यय उच्च मूल्य वाले होते हैं और ये लंबे समय तक बने रहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय इन चार प्रकार के हो सकते हैं। यह चल और अमूर्त यानी फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल संपत्ति प्राप्त करते समय या किसी मौजूदा संपत्ति के अपग्रेडेशन या उन्नयन या किसी संपत्ति की मरम्मत या रिपेयर करते समय किया जा सकता है। ऋणों का पुनर्भुगतान भी एक प्रकार का पूंजीगत व्यय हो सकता है। आइए अब सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, पुलों, सड़कों, हवाई अड्डों की स्थापना सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। लड़ाकू जेट और टैंक खरीदने जैसे रक्षा व्यय भी पूंजीगत व्यय हैं। इन सभी व्ययों में सामान्य बातें ये हैं कि वे प्रकृति में उच्च मूल्य के हैं और वे लंबे समय तक उपयोग में रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कंटेंट से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।